आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना है। so फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप ऐसा वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं। ये जो वीडियो है टिकटॉक पर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। मैं बताऊंगा कि आप ऐसा वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम नमस्ते और आप देख रहे हैं टेक्नोडे यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ये जो वीडियो है शॉर्ट टाइम तक चलने वाले नहीं है, बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है, लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद में आ रहा है। सर, वीडियो एडिट करने के लिए आपको काइन मास्टर की जरूरत पड़ेगी, वो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट वो जो डाउनलोड करेंगे आपके जो आप वीडियो एडिट करेंगे तो उसमें एक वाटरमार्क रहेगा। तो आप पहले काइन मास्टर में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको मेरे जैसा कॉपी नहीं करना है। आप अलग करेंगे तो लोग आपकी वीडियो को देखना पसंद करेंगे, आप लोगों को कॉपी करेंगे तो वही लोग आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे। तो भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा वीडियो लेना, मेरे ऐसा बिल्कुल ध्यान में रखना, ये मेरे ऐसा बिल्कुल कॉपी मत करना, आप एकदम यूनिक रखना। तो चलिए चलते हैं हम अपने काइन मास्टर में, वहाँ मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। आ गए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे। सो सबसे पहले ओपन करते हैं काइन मास्टर। काइन मास्टर ओपन करने के बाद यहाँ पे जो प्लस का सिंबल है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको 6, 9 और 16 ये इस रेशियो को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया क्लिक करने के बाद जो हमने रिकॉर्ड किया था अपना वीडियो उसको सेलेक्ट करना है पहले। ये हमने सेलेक्ट कर लिया हमारा वीडियो, ये देखिए ये फ्रेंड, ये कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो, इसमें आवाज़ है तो हम उस आवाज़ इस पर क्लिक किया साउंड यहाँ से का। सो फ्रेंड, ये हमारा जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय जो आवाज़ आई थी उस वो आवाज़ हम म्यूट कर सकते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे। लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे, मीडिया करने के क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इस फोटो को सेलेक्ट करते हैं। इस फोटो को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ हैंड पे इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि इफेक्ट अच्छा है। सो फ्रेंड ये, सो फ्रेंड ये जो ये परफेक्ट हो गया। फिर हम इसमें इन एनिमेशन पे क्लिक करते हैं। इन एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद फेड पे क्लिक करते हैं जिससे ये इस तरीके से लगे अच्छा, काफ़ी अच्छा। फिर यहाँ पे राइट का सिंबल क्लिक करते हैं। फिर जो फोटो हमने ऐड किया है इस पर क्लिक करते हैं। फिर एक चाबी का सिंबल बना हुआ है इस पर क्लिक करना है। चाबी का सिंबल क्लिक करने के बाद जहाँ से हम अपना हाथ मूव कर रहे हैं वहाँ पे हमको इसको रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे प्लस एक बना दिया और वापस जब हम हाथ को मूव करते हैं वहाँ पे इसको एंड करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हो गया। फिर वापस प्लस का सिंबल, देन ये जो फोटो है इसको स्लोली करके जो हैंड है उस वे में इसको मूव करेंगे इस तरीके से। ये हो गया, आप इसको राइट सिंबल क्लिक करते हैं। देखिए ये फ्रेंड्स, वीडियो देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये हो गया। अब फ्रेंड सेकंड, ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा हैंड ओपन होता है। यहाँ पे हम लेयर पे क्लिक करते हैं, फिर मीडिया पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेकंड फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया हमने। इसको थोड़ा जूम इन कर लेते ताकि ये है ये। फिर इन एनिमेशन पे क्लिक करके फेड को सेलेक्ट करते हैं। इस तरीके से हो जाएगा फ्रेंड। फिर इसको इस तरीके से आगे करते हैं और फ्रेंड यहाँ पे हम वापस की के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा हम आगे लेते हैं जहाँ हम हैंड मूव करते हैं। फ्रेंड ये जो फोटो है इसको भी थोड़ा इस तरह स्लाइड करते हैं इस तरीके से। स्लाइड करने के बाद यहाँ पे वॉइस को राइट करते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड इसको, ये देखिए फ्रेंड्स सेकंड। अब थर्ड में जाते हैं फ्रेंड्स, ये वापस हम उसको हैंड को देख लेते किस पोजीशन पे हमारा हैंड ओपन होता है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा हैंड ओपन हुआ है। फिर वापस हम लेयर पे क्लिक करते हैं। लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करते हैं। मीडिया पे क्लिक करने के बाद ये हम तीसरी फोटो को सेलेक्ट करते हैं।
वापस हम इसको हैंड के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया हैंड पे। फिर वापस इन एनिमेशन पे क्लिक करके इसमें फेड कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, इसको भी अपने जैसे हमने पिछले बार दो किए थे उस तरीके से वाइस को भी एडजस्ट करना है। यहाँ पे जैसे हम अपना हैंड मूव करते हैं, वहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम अपना हैंड मूव कर रहे हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमको क्लिक करना है, फिर देन उसके बाद ये चाबी का सिंबल है, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और फिर हमको धीरे 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 करके ये हमारा हाथ उधर चला गया। फिर उसके बाद इस फोटो को उसके धीरे धीरे मूव करना है, फिर राइट क्लिक करना है। ये देखिए फ्रेंड, अब इसको देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, परफेक्ट। अब इसके बाद फ्रेंड हम फोर्थ को है उसको से लेते हैं। ये हमारा कहाँ है तो मूव होता है, ओपन होता है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे वापस लेयर पे क्लिक करते हैं। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मीडिया पे, मीडिया पे क्लिक करने के बाद वापस हम अपनी नेक्स्ट फोटो लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया। इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, ये हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं इसको। देखिए फ्रेंड, इसमें भी इन फैड एनिमेशन का यूज़ करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये हो गया। अब जब हम वापस आते हैं जहाँ पे हम अपना हाथ मूव करते हैं, ये थोड़ा सा बैक, ये देखिए फ्रेंड, ये हो गया। फिर उसके बाद वापस चाबी पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। ये फ्रेंड, जैसे हमने अपना हैंड मूव किया कंप्लीट, और इसके बाद इस फोटो को भी इस तरह से मूव कर लेंगे और देन राइट पे क्लिक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट। अब हमारा फ्रेंड लास्ट है, यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और फिर इसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, ये ले लिया हमने। इसके बाद इसको हम क्रॉप करते हैं ताकि ये जो फोटोज़ है सिर्फ वही हमारे हैंड पे दिखे। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप फ्रेंड आसानी से इसको क्रॉप कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में। यहाँ पे इसको राइट क्लिक करना है। अब इसके बाद वापस इस पर क्लिक करना है इमेज पे, और फिर क्रोमा जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, फिर इसको इनेबल करना है। ये देखिए फ्रेंड, ये हो गया अपना सब फोटो। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद इसको हैंड अच्छे से इसको एडजस्टमेंट कर लेना, फिर ये वापस फैड एनिमेशन ले लेते हैं और ये क्लिक फ्रेंड इसको फ्रेंड इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और इसको यहाँ ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको वापस प्ले करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये परफेक्ट हो गया। और ये जो इसका एक्स्ट्रा हिस्सा है, इसको यहाँ पे कैंची पे क्लिक करके स्प्लिट और इस पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा टोटल कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो जो मैंने एडिटिंग बताई है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।